सरप्राइज टू नो, मेरे तो नेटवर्क में ऊपर से देख रही हूँ ना, इसलिए बता सकती हूँ। दुबई इजी है कि क्रूज इजी है? दुबई इजी है कि क्रूज इजी है? ये फर्स्ट वन दुबई क्वालिफाइड ज्यादा है। इट्स सो अमेजिंग कि जिस नेटवर्क में देखो दुबई क्वालिफाइड ज्यादा है, मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग बात है। यानी इजी का कुछ नहीं होता, इरादों की बात होती है। अब एक और भी बात है कि दुबई क्वालिफाई करना है डायरेक्टर ने नबो को, तो डायरेक्टर ने नबो को काम तो करना आता है, उन्हें वो बेसिक तो आता है, बातों से थोड़ी ज्यादा मेहनत की थी तो दुबई के लिए मेहनत कर ली तो भैया डायरेक्टर ने नबो क्वालिफाई हो गए। अब जिनको क्रूज लेकर के जाना है उनको काम सीखना भी है और करना भी है, यस और नो? इसलिए दुबई क्वालिफाइड ज्यादा है। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा आजकल हम लोग बहुत ज्यादा तुले पड़े हैं लर्निंग लर्निंग टीचिंग 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 टीचिंग। आप मैंने कभी नहीं करी 6 से 9 की वर्कशॉप जूम आने के बाद, ऐसे बहुत करी है हमने। सारा बैंगलोर मॉर्निंग क्लासेस करके ही बिल्ड किया है, 7:30 से 9 की महीने महीने भर की 30 डेज क्लासेस चलाई है। ऑफलाइन हमने बहुत करी मॉर्निंग क्लासेस, पर जूम पर 6 से 9 का सोचा था, 6 से 10 चली। कितने लोगों ने अटेंड करी जो अभी 2 वर्कशॉप हुई थी? वाओ, मैक्सिमम लोगों ने अटेंड करी। कैसी थी? कितना सीखा? बहुत। कितना सिखाया? कितने लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? नींद नहीं आ रही उसके बाद से। फैंटास्टिक, बस यही है, थोड़े समय नींद उड़ा के रखनी। आज विनोद ले लीजिए, आपने नींद उड़ा दी हमारी। मतलब आज की स्थिति से क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। हम अलग 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 टुकड़ों में बहुत सारे एक्शन कर रहे थे, सब जगह कर रहे हैं, हर लीडर कर रहा है, सारे हिंदुस्तान में कर रहा है, बट आज सर ने उसको एक सूत्र में पिरो दिया और एक विश्वास दे दिया कि भैया अगर कोई चीज वर्क करती है तो यही वर्क करता है। आपका ही बिलीफ वर्क करेगा, आपका ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, आपका ही एक्शन वर्क करेगा, आपकी डाउनलाइन के साथ रिलेशनशिप वर्क करेगी, आप ही का फोटूगा बंद करेगा, आप ही का सिस्टम में बने रहना, सिस्टम में घुसे रहना और सिस्टम में घुस करके लगातार एक्शन करना, वही वर्क करेगा और कोई तरीका नहीं है। आप ही का एथिकल होना वर्क करेगा, आप ही का ड्रीम होना वर्क करेगा, आप ही का गोल होना वर्क करेगा, आप ही की गोल का लिखा होना वर्क करेगा। जादू और कोई वर्क नहीं करेगा, वर्क यही करेगा पर सबका एक साथ होना वर्क करेगा। हम पहला साल लगाते सपने देखने में, दूसरा साल लगाते गोल बिल्ड करने में, तीसरा साल लगाते सीखने में और फिर चौथा साल लगाते एक्शन करने में। ऐसा नहीं चलेगा, स्पीड का मामला है। क्या आप तैयार हो? जो कुछ भी आज मनोज जी ने सिखाया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो? करना है उसमें सबसे पहले आता है शेड्यूलिंग, टाइम मैनेजमेंट। देखिए क्या होता है, कई बार हमारे सपने बहुत होते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं बट टाइम मैनेज नहीं कर पाते, और जब हम ऑर्गेनाइज नहीं होते, जब हम हाथ पैरों से ऑर्गेनाइज होते हैं, हम फिजिकली ऑर्गेनाइज नहीं होते ना, हमारे यहाँ बहुत खिचड़ी चलती है और हम बहुत थकते हैं बहुत जल्दी। 15 दिन में आप कहने लगोगे बहुत थक गए, बहुत थक गए, बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, हड़बड़ा करके काम कर रहे होते हैं और बहुत थक जाते हैं। वो नहीं करना है आपको, एक प्लानर बनाना है 7 महीने का, रोज का। मैं आपको एक काम दे रही हूँ, नोट कीजिए, आपको सेवर यूज करना है, SAVER, रोज मॉर्निंग। इसको कहते हैं मैजिकल मॉर्निंग। कल मेरे को संजय बगारिया जी ने एक चीज सिखाई है, मैं फॉलो करती हूँ, पर शब्द उन्होंने दिए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज मैं आपको सिखा रही हूँ। इस समय देखिए, जब स्पीड ज्यादा हो, जब ड्रीम बड़ा हो, जब गोल बड़ा हो, जब हम बहुत बिजी होने वाले, जब हम बहुत एक्शन करने वाले, उस समय हमारे बाहर से हम बहुत एक्शन करते नजर आने चाहिए, अंदर से बहुत ठहराव होना चाहिए। कोई भी बड़ा प्रमोशन बहुत ठहरे कदमों के साथ, ठहरे मन के साथ, पक्के इरादों के साथ, बहुत सारा फास्ट एक्शन करके अचीव होता है। और ये जो 7-8 महीने की जो प्रमोशन आते हैं ना, कहते हैं कि जब किस्मत मौका देती है तो तैयार, जीत का मौका देती है ना तो तैयारी का वक्त कम देती है। और इस बार ये हमारे खुश नसीब ये है कि मोदी कह रहे हमें मौका भी दिया है और तैयारी का वक्त भी दिया है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एकदम से एक दिन तो बहुत ज्यादा किया पागल होकर के, अगले दिन थक करके घुस कर बिस्तर में कि मैं तो बहुत थक गया, मेरे बस की नहीं है, वो नहीं करना है।
एक शेड्यूलिंग के साथ करना है, ठहराव के साथ करना है, मन की शांति के साथ करना है, फेथ के साथ करना है। और फेथ के साथ करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप दुबई में हो, आपको पता होना चाहिए क्रूज आपका इंतजार कर रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आप अपने आप को वहां नहीं देखोगे, जब तक आप वो पानी की छपछप नहीं सुनोगे, जब तक आप वो बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़े होकर के दुनिया को नीचे नहीं देखोगे ना, वो आस्था नहीं रखोगे ना, घबराहट रखोगे, चिंता रखोगे, एंजाइटी रखोगे, तो वर्क नहीं करेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मोदी केयर करीबन 12,000-15,000 लोगों को क्रूज पे लेके जाने के लिए टिकट बुक किए, उसने क्रूज बुक किया है, उसने उस शिप को बुक किया है। तो मोदी साहब दादान तो है नहीं, वो इन्वेस्टमेंट बिना बात तो करते नहीं है, उन्हें पता है कि 12-15 हज़ार लोग क्वालिफाई करेंगे, उसी हिसाब से उन्होंने शिप बुक किया है। और ये 12-15 हज़ार लोगों में से जैसा कि मनोज जी ने कहा किसी से भी सीन नहीं है, तो आपको भी सीन होने की जरूरत नहीं है। और एक गुड न्यूज़ और बताती हूँ मैं आपको, जितने भी लोगों ने आज तक मोदी केयर का कोई भी प्रमोशन क्वालिफाई किया है, जब भी क्वालिफिकेशन आई है, चाहे वो 1 महीने की हो, चाहे 3 महीने की हो, चाहे 5 महीने की हो, चाहे 6 महीने की हो, चाहे 8 महीने की हो, गुड न्यूज़ ये है क्वालिफायर्स में से 30% क्वालिफायर वो होते हैं जो उस क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर ज्वाइन करते हैं। यानी आपका नया होना या आपका अभी नौसिखिया होना या अभी आपको ज़्यादा काम नहीं आना होना वो मायने ही नहीं रखता। अगर आपने आज भी ज्वाइन किया होता तो भी आप दुबई जा सकते हो, तो भी आप क्रूज जा सकते हो। और ये बात एक और बात कहती है, आपको जो आपकी टीम के टारगेट लेने हैं वो आज आप क्या हो के हिसाब से नहीं लेने। आपको पता होना चाहिए कि अगर नए क्वालिफायर 30% होते हैं तो भैया मैं अकेला दुबई क्यों जाऊँगा, मैं तो अपने साथ 4 लोग लेकर के जाऊँगा, मैं उनकी ज्वाइनिंग कराऊंगा फिर उनको लेके जाऊँगा। तो आपके लिए फिर जब आप अपने आप को लिमिटलेस कर देते हो, जब आपको पता होता है कि हाँ भैया ये दुबई मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, जो क्रूज मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, जब आपको अपने आप को असीमित सोच में ढाल देते हो तो फिर वो असीमित ताकतें अंदर से भी निकल के आती हैं और बाहर से भी आप पर बरसती हैं। तो जरूरी है मन का ठहराव। मैं देख रही हूँ मेरी टीम में बहुत कुछ चल रहा है, सुबह से भाग रहे हैं, रातों की नींद उड़ गई है, सब कुछ हो गया है। अब जो बहुत इमोशनली स्ट्रांग है वो तो सह जाएंगे, और जो थोड़े भी इमोशनली वीक हैं या जो फिजिकली थोड़े से कमजोर हैं कि ताकत नहीं है, थकान जल्दी हो जाती है, वो लोग ठप हो जाएंगे। आप चाहते हो ठप नहीं हो तो सेवर को यूज करना है। नोट कीजिए, रोज सुबह अपनी मॉर्निंग को मैजिकल मॉर्निंग बनानी है। आर यू रेडी? तैयार हो? एस से आता है साइलेंस। ये सब काम जो मैं बोलूंगी SAVER, ये सारे काम आपको 5-5 मिनट करने हैं। 5 मिनट उठने के बाद साइलेंस में रहना है, शांत। सारी जो बाहर जितनी भी हवड़ तबड़ है, कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि मैम आप मतलब 8-8 घंटे ट्रेनिंग करती हो और फिर मुस्कुरा रही होती हो। अभी मेरे बेटे की शादी में एक कॉम्प्लीमेंट मुझे सबने दिया कि मतलब इतनी हाई एंड शादी थी, सब कुछ टॉप क्लास चल रहा था और आप हर वक्त लग रहा था जैसे आप कुछ कर ही नहीं रही हो। वो काम है साइलेंस का। सुबह उठो, भले बिस्तर पे उठने से पहले आप जो है साइलेंस पे चले जाओ 5 मिनट। हम लोगों की आजकल एक आदत बन गई है, उठते ही मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल उठाते ही कोई ना कोई रील खुल जाती है। तो बिस्तर से उठने से पहले आप में से कितने लोगों को कोई ना कोई बिस्तर पे उठने से पहले कोई रील नजर आ जाती है ना, कि कोई एक नजर आ जाती है तो दूसरी, फिर दूसरी, तो चलो और 5 मिनट देख के एंटरटेन होकर के फिर ही उठते। नहीं, हमें साइलेंस में जाना है। 5 मिनट शांति से सोचो कि साइलेंस का वक्त होगा जो आस्था दिलाएगा, साइलेंस का वक्त होगा जो बिलीफ दिलाएगा। जब हम शांत होते हैं ना, हमें हमारी ताकतों के बारे में पता चलता है और भी बहुत कुछ होता है। अपने आप से बात करने का मौका मिलता है आपको, किसी की नहीं सुननी, किसी को नहीं कहना, सिर्फ साइलेंस में रहना। बहुत अच्छे अच्छे विचार आपको आएंगे, बहुत सारे आइडियाज आपको आएंगे, बहुत कंस्ट्रक्टिव आप दिन भर रहोगे अगर आप मॉर्निंग में 5 मिनट के लिए साइलेंस, एक ही शब्द किसी से बात नहीं करनी, कुछ सुनना नहीं, कुछ बोलना नहीं। कितने लोग तैयार हो? करने के लिए तैयार हो? फिर ए से आता है अफर्मेशन। सुबह सुबह आपको 5 मिनट अफर्मेशन करने, और उसके लिए टाइम अलग देने की जरूरत नहीं है। मैं तो सारे अफर्मेशन पॉट पर बैठ के करती हूँ, तो भी वर्क करते हैं। कहीं भी कर सकते हो, 5 मिनट देने कहीं भी दे सकते हो, और वैसे भी शौचालय तो सोच का सबसे अच्छा स्थान होता है। तो हम अब नहीं सोच सकते, मैं मजाक की बात कर रही हूँ, पर अफर्मेशन को बहुत सीरियसली लेना है। आपको कुछ चीजें अफर्म करनी है अपने आप से, आई एम दी बेस्ट उसमें पहला होना चाहिए। हम सब अच्छे हैं, मनोज जी बहुत अच्छे हैं, सुरेखा भाग में बहुत अच्छी हैं, पर हमें से कोई भी आपके बच्चे की माँ नहीं है। ये एक
सच है माँ, मैं सिर्फ निशान की हूँ। ये रिदम मुस्कान के बाबूजी हैं, कितना भी हम आपको प्यार देते हैं पर आपके बच्चों के लिए जो आप हो वो आप ही हो, आपसे अच्छा उनके लिए कोई नहीं है। तो आपका जो पहला अफर्मेशन होना चाहिए, आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ, आई कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हर चीज मेरे लिए संभव है। मैंने अगर नहीं 1 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस बना दिया तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं, ये तो मैं गारंटेड करके दिखाऊंगी। समझ रहे हो, हर वो सेंटेंस जो आपको मोटिवेट करे, मैं आपको कुछ है ना स्टैटिक सेंटेंसेस नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सिर्फ गाइडलाइन दे रही हूँ कि जो चीज आपको मोटिवेट करे, जो चीज